ई मित्र प्लस ऑपरेटरों ने स्थायी नियुक्ति को लेकर दिया ज्ञापन। रानी पाली भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कार्यरत ई मित्र प्लस ऑपरेटरों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रधान को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में स्थायी नियुक्ति की मांग की। ई मित्र प्लस ऑपरेटर संघ पाली जिले के ब्लॉक रानी। ई मित्र प्लस ऑपरेटर संघ ब्लॉक रानी के उगम सिंह राजपुरोहित, महेंद्र गेलोट, हितेंद्र बुराना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण किया गया था, जिससे ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई मित्र संचालकों को वर्ष 2014 में नियुक्त किया गया था। ई मित्र सेवा को और अधिक सजग बनाने के लिए वर्ष 2017 में ई मित्र मशीन लगाई गई थी। इन सभी कार्यों को ई मित्र प्लस ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले में कमीशन के रूप में सिर्फ 500 से 1000 रुपए ही ई मित्र संचालकों को मिलते हैं। इससे पारिवारिक खर्च वहन होना संभव नहीं है। साथ ही समस्त ऑपरेटरों को कार्य का अनुभव भी है और इसी मित्र प्लस मशीन की सरकारी सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी भी है। हमको इस समय पर ई मित्र पल्स ऑपरेटर बना रखा है, तो हमको ही इस पद पर वरीयता देकर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया जाए, जिससे सरकार को भी इस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के पद भरने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। ई मित्र ऑपरेटर संघ ने मांग की है कि ई मित्र प्लस संचालकों को राज्य सरकार द्वारा मानदेय देने का प्रावधान किया जाए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा नवीन बजट सत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने की घोषणा की है। इससे राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कई वर्षों से ई मित्र प्लस ऑपरेटर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, इनको वरीयता के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया जाए। इस दौरान ई मित्र प्लस ऑपरेटर संघ ब्लॉक के उपस्थित थे उगम सिंह राजपुरोहित, हितेंद्र बुराना, सुरेश कुमार, हरीश मांडल, महेश जीवंत कला, महेंद्र गेलोट, मुडाराम विजोवा, रमेश कुमार सहित ई मित्र ऑपरेटर्स उपस्थित थे।